नमस्ते। हर रोज़ सबसे बढ़िया डील्स पाने के लिए और ऑनलाइन शॉपिंग करते समय ढेर सारे पैसे बचाने के लिए हमारे टेलीग्राम या फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको मिलेंगे सबसे बेस्ट डील्स और ऑनलाइन शॉपिंग करने के टाइम ढेर सारा डिस्काउंट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अमेज़न का जो है वो फार्मेसी है वो उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स, कौन से सिटीज़ में अवेलेबल है, सारा चीज़ जानते हैं ये वीडियो में। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अमेज़न जो है, अमेज़न इंडिया ने ये फार्मेसी जो है वो कैटेगरी में एंटर कर दिया है। हालांकि आपने पहले बहुत सारे ऑनलाइन प्लेयर्स देखे होंगे फार्मेसी के रिलेटेड, जैसे 1mg हो गया, नेटमेड्स हो गया, मेडलाइफ हो गया, ये सारे जो है वो ऑनलाइन फार्मेसी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पहले तो ये लॉन्च कब हुआ है वो आपको बताता हूँ। ये लॉन्च हुआ है 13 अगस्त 2020 में, और ये जो लॉन्च हुआ है वो बेंगलोर में हुआ है, पर मैं मुंबई में रहता हूँ और मेरे को भी ये अमेज़न का जो सर्विस है फार्मेसी का वो दिखाई दे रहा है, मतलब ये मुंबई में भी चालू हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट्स में लिख के बताना है कि आपके सिटी में अमेज़न फार्मेसी ये चालू हुआ है कि नहीं हुआ है। लिंक प्रोवाइड किया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से क्लिक करके देखो आपके यहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर ये सर्विस आपके इधर प्रोवाइड हो रहा है तो कमेंट्स में मेरे को लिख के बताना, ताकि जो भी ये वीडियो को देखेंगे उनको पता चल जाएगा कि उनके सिटी में भी अमेज़न का जो फार्मेसी सर्विस है वो चालू हुआ है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो अमेज़न जो प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, वो कुछ भी आप मेडिसिन इधर से ऑर्डर कर रहे हुए तो आपको 50% फ्लैट ऑफ मिलने वाला है। ये लॉन्च ऑफर इन लोग ने दिखाया है। चलिए फटाफट से आपको मैं बताता हूँ इसमें से ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने नेटमेड्स, मेडलाइफ्स वगैरह, ये जो 1mg, ये सारे ऐप से या वेबसाइट से अगर मेडिसिन ऑर्डर किया है, तो इसका भी प्रोसेस वही है जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। फर्स्टली आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, साइनअप प्रोसेस करना पड़ेगा। साइनअप करने के बाद में आपको जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए वो आपको सर्च करने होंगे। सर्च करने के बाद में उसको आपके कार्ट में आपको ऐड करना है। कार्ट में ऐड करने के बाद में आपको उसको प्रोसीड टू बाय पे क्लिक करना है। जब प्रोसीड टू बाय पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आपको प्रिस्क्रिप्शन जो है, जो डॉक्टर ने आपको दिया है, उसको अपलोड करना है। वो एक बार आप अपलोड करोगे उसके बाद में आपका जो ऑर्डर है वो कन्फर्म हो जाएगा। तो यही स्टेप्स है अगर आपको मेडिसिन ऑर्डर करना है। अगर ये स्टेप्स देखा जाए तो ये काफ़ी सिमिलर है जो ऑलरेडी फार्मेसी के ऐप्स है उन लोग के, क्योंकि वो लोग भी प्रिस्क्रिप्शन मांगते हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप मेडिसिन नहीं ले पाओगे। सबसे पहले मैं आपको इसका प्रोज बताना चाहता हूँ। प्रोज ये है कि अमेज़न ने ये चालू किया है, इसकी वजह से इन लोग के पास सेलर्स भी बहुत रहेंगे, और सेलर्स तो छोड़ो, जो आपके लोकल स्टोर से वो भी शायद इन लोग के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि अमेज़न का ऑलरेडी ऐसे एक प्रोग्राम है जिसके अंदर वो लोकल स्टोर से भी टाइप करते हैं, मतलब लोकल स्टोर भी एज ए सेलर यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर मेडिसिन में भी यही प्रोसेस इन लोग ने अगर यूज़ किया रहेगा, क्योंकि ये अभी रिसेंटली चालू हुआ है तो इसके लिए कुछ आइडिया नहीं है, पर अगर यही प्रोसेस इन लोग ने इसमें भी फॉलो किया रहेगा तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि लोकल जो दुकान वाले हैं उन लोग भी यहाँ पर एज ए सेलर रजिस्टर हो पाएंगे। तो क्या होगा, उन लोग को भी डोमेस्टिक प्रेजेंस मिल जाएगा, मतलब लोकल से वो लोग डोमेस्टिक हो जाएंगे, पूरे इंडिया में डिलीवरी कर पाएंगे। अगर कॉन्स की बात करें तो अमेज़न के लिए तो कुछ कॉन नहीं है, पर ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऐप्स हैं मेडिसिन के, उनके लिए एक कॉन होगा, क्योंकि अगर अमेज़न बहुत अच्छा सर्विस अगर प्रोवाइड कर देगा इस सेक्टर में, मेडिसिन या फार्मेसी सेक्टर में, तो ये सारे जो ऐप्स हैं इन लोग का थोड़ा डिमांड कम हो जाएगा। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ ये क्यों अमेज़न फार्मेसी सेक्टर में उतरा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ लॉकडाउन की वजह से एजुकेशन सेक्टर और फार्मेसी सेक्टर में बहुत सारा ग्रोथ देखने को मिला है, क्योंकि ऑर्डर्स वगैरह इन लोग पे बहुत आ गए और ये सेटिस्फाई इतने अच्छे से नहीं कर पाए। इसके वजह से क्या हुआ है, इन्वेस्टर्स जो है, जो मतलब फंडिंग वगैरह लेते हैं ये सारे स्टार्टअप्स, तो उन लोग का भी जो ध्यान है वो एजुकेशन सेक्टर और मेडिसिन या फार्मा सेक्टर में ज़्यादा हो गया है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, अमेज़न ने भी सोचा कि हम भी हमारा प्लेटफॉर्म लाएंगे तो उसमें डीग्रोथ होने की कुछ संभावना नहीं, ग्रोथ ही होगा। इसके वजह से अमेज़न ये सेक्टर में उतरा है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अमेज़न फार्मेसी है उसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाले। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ओवर द काउंटर आपको जो मेडिसिन मिलते हैं वो सारे आपको ऑनलाइन मिलने वाले हैं। फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होते हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं, और जो बेसिक हेल्थ डिवाइसेस होते हैं वो भी आपको सारे इसमें मिलेंगे। ऑलरेडी वो लोग बेच रहे हैं, जैसे ऑक्सीमीटर हो गया वगैरह, सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको बाय कर सकते हो। अगर बेसिक हेल्थ
डिवाइसेस आपको लेने हैं तो उसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं लगेगा, वो जनरली आप जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट्स बाय करते हो वैसे आप बाय कर पाओगे। और इन लोग का ऐसे कहना है कि सारे जो सर्टिफाइड सेलर्स रहेंगे वही इसके अंदर रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर देना, और अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। और अगर आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करोगे तो वो आपको थैंक यू बोलोगे क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपने उनके साथ शेयर किया है। और कमेंट्स में लिखना मत भूलना कि आपकी सिटी में ये आया है या नहीं आया है। नीचे लिंक रहेगा अमेजोन का, उस पर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी सिटी में ये अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल रहेगा तो कमेंट करो कि यस इट इज़ अवेलेबल इन मुंबई, पुणे। मुंबई तो मत बताना, बैंगलोर भी मत बताना क्योंकि पता है मुंबई और बैंगलोर में आ गया है। सिर्फ उसके अलावा जो भी सिटीज़ है उधर अगर आ गया है तो उसके लिए आप कमेंट्स में लिख के मेरे को बता सकते हैं। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप नए हो और ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे टाइप के वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ, तो ज़रूर ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में बेल आइकन दिखेगा उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको अगले और एक्साइटिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।